आज की वीडियो विद्यार्थियों के लिए है कि वो कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही चीजों को छोड़ देते हैं। वैसे तो आप भी अपनी जिंदगी के लिए इस कहानी को सुन सकते हैं, क्योंकि जिंदगी पर भी बिल्कुल एप्लीकेबल है ये कहानी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया, फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो ये शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। ऐसा उन प्रोफेसर ने उन्हें कहा, लेकिन छात्र ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ जैसे ही प्रोफेसर ने बढ़ाया, छात्र ने मना कर दिया कि नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर ने कहा, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें गुला ज्यादा नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र के समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों का याद करके बहुत दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ ही लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उसे भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन मिठास से भरेगा। हम हमेशा हमारी अतीत की यादों में ही खोए रहते हैं, आज क्या चल रहा है वो तो चीज देखते ही नहीं और डरते रहते हैं हर वक्त। तो ये जो कहानी है वो छात्रों के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए जितनी एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी तो उतनी ही एप्लीकेबल है ना, कि हम बुरी यादों में ना फंसे, अतीत की यादों में ना फंसे और आज की खुशियां देखे। आज जो हमें खुशी मिल रही है उसी में हम जिए। तो करके आप जरूर देखिएगा ये चीज कि बुरी यादों को रहने दीजिए उसी की जगह पर, और उसकी जगह कुछ अच्छी यादें बनाइए, ताकि आप फिर से जब अतीत में देखें तो आपके पास में अच्छी यादें हों। करके देखिए, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए।